राहुल गांधी अभी हाल ही में सुल्तानपुर में एक जूता कारीगर से मिले और उनकी किस्मत ने एकदम पलटी मार ली। राहुल ने जूता कारीगर के जिस चप्पल को सिला, अब दावा किया जा रहा है कि उसकी कीमत 10 लाख रुपए तक की बोली लग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। किस्मत कब बदल जाए इसे कोई नहीं जान सकता। सुल्तानपुर के इस जूता कारीगर रामचेत की दुनिया भी बदली बदली सी लग रही है। वो सुर्खियों में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर थे। वो जूता कारीगर रामचेत की दुकान पर भी पहुंचे, उनके काम के बारे में पूछा। दुकान में राहुल एक चप्पल सिलते हुए भी दिखाई दिए थे। अब रामचेत का दावा है कि जो चप्पल राहुल गांधी सिल रहे थे उसकी बोली 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उन्हें इस जूते के एवज में 10 लाख रुपए का ऑफर मिला है, लेकिन रामचेत का कहना है कि वो ये जूता नहीं देंगे और ना ही उन्हें 10 लाख की चाहत है। चप्पल को वो अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं और वो उसके लिए फ्रेम बनाने की बात कह रहे हैं। हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा मसीहा नेता हमारे पास आए, हमारे पास बैठ करके और हमारे दुकान पे उन्होंने चप्पल सिला है। हम उस चप्पल को किसी को नहीं देंगे। उस चप्पल को शीशा में करा के अपने जान की टुकड़े की तरह अपने दुकान में रखेंगे सजा के। रामचेत के चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है। उनका कहना है कि बेहद खास चप्पल की काफी डिमांड बढ़ चुकी है। उन्हें प्रतापगढ़ से चप्पल खरीदने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। सुल्तानपुर के कुरेभार क्षेत्र के विधायक नगर में रामचेत की दुकान है। सुर्खियों में आने से वो बेहद ही खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। पहले कोई उन्हें जानता नहीं था, अब लोग जानने लगे हैं। उन्हें बहुत मान सम्मान मिल रहा है, लोग उनके साथ सेल्फी खींच रहे हैं। रामचेत ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें कोई मुँह मांगी कीमत भी देगा तब भी ये सौदा नहीं करेंगे। ये चप्पल उनके लिए बेहद खास है। सुल्तानपुर से न्यूज 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट।